हेलो स्टूडेंट्स, मैं तोरल पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी, पोयम 2 पार्ट 2। बच्चों, पोयम 2 पार्ट 1 में हमने एक जगत एक लोक पोयम सीखी। हमने एक जगत एक लोक पोयम में से यह सीखा था कि दुनिया में अनेक देश हैं, वे सभी एक ही पृथ्वी पर बसे हुए हैं। जिस तरह एक माता के कई संतान होते हैं, उसी तरह इन सभी देशों के लोग इस धरती माता के संतान है। इस दृष्टि से दुनिया के सभी लोग भाई भाई है। उनका यह भाईचारा ही विश्व बंधुत्व है। हमें किसी भी कीमत पर इस भाईचारे को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए और विश्व बंधुत्व की भावना को बनाए रखना चाहिए। बच्चों, तो आज हम ये पोयम के आधार से MCQ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, वर्ण से शब्दों बनाइए और विलोम शब्द की चर्चा करते हैं। पार्ट 2, प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, इनमें से किस शब्द का अर्थ आसमान होता है? ए नमन, बी चमन, सी गगन, डी नयन। आंसर, सी गगन। सेकेंड, हम सबका जीवन डैश की कहानी है। ए सुख दुख, बी ऊंच नीच, सी गरीब अमीर, डी जाति पाति। आंसर, बी सुख दुख। थर्ड, सबका जीवन डैश के सूत्र में बांधा है। ए पवित्रता, बी शांति, सी समता, डी एकता। आंसर, डी एकता। फोर्थ, हमारा राग कैसा होना चाहिए? ए सुहाना, बी ऊंचा, सी स्वादिष्ट, डी पवित्र। आंसर, ए सुहाना। फिफ्थ, डैश ही हमारा सच्चा धर्म है। ए सज्जनता, बी सुंदरता, सी एकता, डी मानवता। आंसर, डी मानवता। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट वन, डैश ही सुख दुख की एक कहानी है। आंसर, जीवन। सेकेंड, हर्ष भरे गाए हम डैश सुहाने। आंसर, राग। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। थर्ड वन, राष्ट्रों में डैश यही कर्म हमारा। आंसर, एक्य। राष्ट्रों में एक्य, एक्य मीन्स एकता, एकता यही हमारा कर्म। फोर्थ,
हिल मिल के लहराए डैश का निशान। आंसर विश्व शांति। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखे। फर्स्ट, हम सब मिलजुल कर अ स्वच्छता अभियान चलाएंगे, ब शांति गीतों की रचना करेंगे, क विश्व शांति का झंडा लहराएंगे। आंसर क विश्व शांति का झंडा लहराएंगे। नेक्स्ट सेकेंड, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए अ सबके रक्त का रंग लाल है, ब वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है, क सबका शरीर एक जैसी हड्डियों से बना है। आंसर ब वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है। लास्ट थर्ड, यह सारा संसार अ एक मानव लोक है, ब जादू की पुड़िया है, क एक खुली हुई पुस्तक है। आंसर अ एक मानव लोक है, यह संसार एक मानव लोक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्णों से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए। फर्स्ट एग्जांपल दिया है क, क से कौवा, कमल, कागज, कौशल, काल। बच्चों लेसन चैप्टर 1 दयालु शिकारी कहानी में भी इसी तरह की एक्सरसाइज करवाई थी। एक वर्ण दिया है, उसके आधार से अन्य शब्द बनाना है। जैसे कि सेकेंड ग, ग से गणेश, बाकी जो लाइन ड्रॉ की है उसमें वर्ड आप लोगों को खुद लिखना है। ग, ग से घर, घूम, ऐसा कोई भी वर्ड लिख सकते हो। फोर्थ च, च से चरखा, चिट्ठी, चम्मच, ऐसा आप अपने शब्द में 4 शब्द लिखना है। एंड लास्ट म, म से मकान, बाकी वर्ड आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। विलोम शब्द वाले, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों ये जो सर्कल दिया है उसमें वर्ड है, ये वर्ड का विलोम, ये शब्द का विलोम शब्द भी उसमें ही आंसर हम लोगों को ढूंढना है और मिल जाए उसके बाद उनका सेंटेंस बनाना है। जैसे कि दिया है पास, पास का विलोम दूर, फर्स्ट सेंटेंस पास, मेरे घर पास ही है। एंड सेकेंड सेंटेंस बनाना है दूर, यह दृश्य दूर से अच्छा लगता था। चलो नीचे देखो, सबसे पहले सूप, सूप का विलोम शब्द यही बॉक्स में से हमें ढूंढना है। देखो मृत्यु, जड़, चेतन, दास, दूर, पास, अशुभ। सूप का क्या आएगा? अशुभ विलोम, सूप अशुभ। फर्स्ट सेंटेंस सूप से बनाओ एंड सेकेंड अशुभ। बच्चों वाक्य आप लोगों को खुद बनाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेतन। चलो चेतन, चेतन का ऑपोजिट वर्ड ढूंढो, मृत्यु, जड़। चेतन का क्या आएगा ऑपोजिट? जड़। नेक्स्ट थर्ड जीवन, जीवन उनका ऑपोजिट क्या आएगा?
मृत्यु, जीवन मृत्यु, एक सेंटेंस जीवन से एंड सेकेंड मृत्यु से, फोर्थ वन स्वामी, स्वामी, स्वामी का क्या आएगा ऑपोजिट दास, स्वामी दास, वन सेंटेंस स्वामी से एंड सेकेंड वन दास, लास्ट फिफ्थ प्रकाश, प्रकाश का ऑपोजिट अंधकार, प्रकाश का ऑपोजिट अंधकार, वन सेंटेंस प्रकाश से एंड सेकेंड वन अंधकार से, ये सेंटेंस आप लोगों को खुद बनाना है, एग्जाम्पल भी लिखना कंपलसरी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आगे समानार्थी शब्द, उनका वाक्यों में प्रयोग, काव्य पंक्ति की भावार्थ और क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करेंगे। ओके बाय।